जियोग्राफी ऑफ इंडिया के जो लेक्चर हमने स्टार्ट किए हैं इंडियन जियोग्राफी चैप्टर थर्ड डीआर कुलर से, इसमें सबसे पहले हमने ये स्टडी किया कि हिमालय की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, उसके डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड रीजनल यूनिट्स कौन कौन से हैं और हर यूनिट की क्या क्या डिफरेंट रेंजेस, वैलीज, लेक्स एंड पासेस, सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हमने किए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक यूनिट में एंटर होते हैं जिसका नाम है द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, सबसे पहले द ग्रेट प्लेन, तो द इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर काफी सारे ग्रेट प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। सेकंड इसका नाम है इंडो गैंजेटिक प्लेन। थर्ड इसका नेम है इंदस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये सब कंसेप्ट इसी से एक्सप्लेन हो जाएंगे कि इसके नेम में क्या क्या कंसेप्ट चीजें आ रही हैं। ग्रेट प्लेन, इंडो गैंजेटिक, इंदस गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कि ये बना कैसे है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आज की डेट में इंडिया का सबसे यंगेस्ट जियोमॉर्फोलॉजिकल यूनिट कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये सबसे लेटेस्ट बना है और ये सबसे यंगेस्ट है। क्लियर। जब पेनिनसुलर प्लेच्यू यानी कि इंडियन प्लेट यूरोपियन और एशियन यानी कि यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हो रही थी, ऐसा कहा जाता है कि उस समय में वो जो हिमालयन एंटीक्लाइन है उसके सामने एक सिंक्लाइन क्रिएट हुआ था जिसमें हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेच्यू से आने वाली रिवर्स ने अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट किया और फाइनली वहां पर बना एक ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। इसकी कई सारी थ्योरीज हैं। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो इस बात पर किसी को शक नहीं था कि किसी जमाने में टेथिस सी नाम के एक जियोसिंक्लाइन में जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ उसी के अपलिफ्टमेंट और फोल्डिंग प्रोसेस से हिमालय बना, इस बात पर किसी को डाउट नहीं था। लेकिन विवाद इस बात पर था कि जियोसिंक्लाइन किस तरह से बना और विवाद इस बात पर था कि वो जियोसिंक्लाइन का मटेरियल जो फोल्ड हुआ है वो किस प्रोसेस से हुआ, कौन सी प्लेट किस प्लेट की तरफ मूव कर रही थी। इसी तरह से जब गंगा के मैदान की बात करते हैं, इस बात में किसी को शक नहीं है कि ये रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट को एक डिप्रेस्ड रीजन में फिल करने से ही एक प्लेन एग्जिस्टेंस में आया है। डिबेट इस बात पे है कि यह डिप्रेस्ड रीजन क्रिएट कैसे हुआ और फिर इसके सेडिमेंट के अपलिफ्ट होने के प्रोसेस क्या है, इसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पहला कंसेप्ट यहां पर यह एग्जिस्ट करता है कि ऐसा माना जाता था कि यहां पर एक फ्रैक्चर जोन पहले से एग्जिस्ट करता था। यह पहला एस्पेक्ट जिसे हम एक डिप्रेस्ड रीजन मानते हैं कि एक डिप्रेस्ड रीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जिसमें जैसे जैसे हिमालय अपलिफ्ट होता चला गया हिमालयन रिवर का वेलोसिटी और ग्रेडियंट, हिमालयन ग्रेडियंट बढ़ने से उनका वेलोसिटी और बढ़ता चला गया और हिमालय आप जानते हैं कि कमजोर चट्टाने हैं, ये लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स, इस तरह के मटेरियल से बनी है जो सेडिमेंट्री हैं, इन्हें इरोड करना बहुत ईजी है, विंड एंड वाटर के इम्पैक्ट से वो बहुत ईजिली इरोड हो जाती हैं, तो इसकी वजह से भारी मात्रा में सेडिमेंट अकोमुलेट होना शुरू हुआ दोनों रिवर्स के एंड पे, नीचे से पेनिनसुलर रिवर जो नॉर्थवर्ड जा रही हैं, तो पेनिनसुलर रिवर जितनी भी थी चाहे वो नॉर्थवर्ड जा रही हैं और जितनी भी हिमालयन रीजन हुआ रिवर्स हुआ करती थी वो साउथवर्ड आ रही हैं, तो इन दोनों रिवर्स ने कंट्रीब्यूट किया बनने में। यहां पर कुछ ज्योग्राफर्स ऐसे हैं जो इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है कि डिप्रेशन पहले से एग्जिस्ट करती थी। उन ज्योग्राफर्स की माने तो वो यह कहते हैं कि जब हिमालय फॉर्मेशन हो रही थी तो हिमालयन फॉर्मेशन प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि डाउन फॉल्टिंग हुई है यानी कि फ्रैक्चर जोन क्रिएट हुआ है और इस डाउन फॉल्टिंग के प्रमाण वो यहां से दे रहे हैं कि आज की डेट में अगर हम देखें
तो जहां से गंगा का मैदान शिवालिक से जुड़ता है, वहां पर शिवालिक के अंत होने पर एक फ्रैक्चर जोन और क्रिएट हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि एक फ्रैक्चर जोन वहां पर बनना शुरू हुआ। यह किस वजह से हुआ? क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस आपस में एक्ट कर रही थी, और जब प्लेट्स रिलीज हो रही है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने की वजह से जो रीजन है वो पूरा का पूरा आपस में एक दूसरे से रिफ्ट क्रिएट कर गया, फ्रैक्चर क्रिएट कर गया। इसकी वजह से बहुत ही एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली बनी, बहुत बड़ी रिफ्ट वैली, दरार आ गई, फॉल्टिंग हो गई। और इस रिफ्ट वैली में इतने बड़े पैमाने पर डेब्रिस एकोमुलेट होने से गंगा का मैदान एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन इस थ्योरी को भी करेक्ट नहीं माना जाता। ज्योग्राफर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि गंगा का मैदान 3200 किलोमीटर है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2400 किलोमीटर का है। ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि इतनी बड़ी रिफ्ट वैली का कोई प्रमाण पाया नहीं जाता, ये पहली बात। और दूसरी बात, आज की डेट में गंगा के मैदान में कहीं भी कोई रिफ्ट वैली के एविडेंसेस मिल नहीं रहे। इन इटसेल्फ पहले गंगा की जो वैली है, गंगा का मैदान है, उतनी बड़ी रिफ्ट हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी हाई लेवल पे एक्टिविटी नहीं हो सकती। अदरवाइज कहीं और भी रिफ्ट उतनी बड़ी बननी चाहिए थी। और दूसरा, गंगा के मैदान में आज कोई रिफ्ट के प्रमाण नहीं मिलते जैसे नर्मदा में, तापी में, गोदावरी में, गोदावरी महानदी और दामोदर में मिलते हैं, वैसे गंगा में नहीं मिलते। तो फिर लॉजिकल रीजनिंग यही एक्सेप्टेबल है कि जब हिमालयन माउंटेन्स का फोल्ड क्रिएट हो रहा था तो जो हिमालयन एंटीक्लाइन है नेचुरली उसके सामने एक सिंक्लाइन बना मिडल हिमालयन रेंजेस के सामने, जहां पर मिडल हिमालयन रेंजेस की रिवर्स ने अपना डेब्रिस एकोमुलेट किया। आने वाले समय में जब थर्ड अपहीवल हुआ, उसी डेब्रिस से आपको शिवालिक के पर्वत दिखे हैं। और ठीक जब यह शिवालिक का पर्वत बकल हो रहा था, बन रहा था, तब उसी समय में शिवालिक के पर्वतों के सामने भी एक फाइनल एंटीक्लाइन क्रिएटेड हो रखा था। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये माने कि शिवालिक फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रीसेंट फॉर्मेशन है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो मिडल हिमालयन रेंज है उसके सामने बहुत बड़ा सिंक्लाइन क्रिएट हो रखा था। इसमें से जो मिडल हिमालयन रेंज का सिंक्लाइन जहां पर बिगन होता है, इस सिंक्लाइन रीजन में मिडल हिमालयन रिवर्स ने जो मटेरियल एलुवियल फैंस और अदर फॉर्म में डेब्रिस एक्युमुलेट किया, इसकी अपहीवल हो गई है। तो शिवालिक और उसके आगे अभी भी पेंडिंग एंड सिंक्लाइन बचा था जो शिवालिक के अपलिफ्टिंग के दौरान और डीप हो गया। तो अल्टीमेटली इस सिंक्लाइन में जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ है वो मटेरियल से आपको मिलता है गंगा का मैदान। इसको प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य माकूल है कि अगर आप हिमालय पर्वत मिडल हिमालयस की बात करें तो लगभग आपको 6000 मीटर तक की पर्वत और पीक्स मिल जाती हैं। और ठीक अगर आप गंगा के मैदान की गहराई की बात करें तो गंगा के मैदान की गहराई भी आपको 6000 मीटर के अराउंड मिल जाती है। तो मतलब जितना एंटीक लाइन जाता है उतना सिंक लाइन भी आगे गया होगा डीप, यह इस बात से प्रमाणित होता है। आई बात समझ में? तो एंटीक लाइन और सिंक लाइन, सिंक्लिनल फॉर्मेशन से जो सिंक लाइन बना, उस सिंक में जितनी भी साउथ से रिवर आ रही हैं, जैसे बेतवा है, चंबल है, केन है, सोन है, और नॉर्थ से आ रही हैं जैसे इंदस है और इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इंदस रिवर सिस्टम पूरा का पूरा, पहले इंदस और फिर इंदस की ट्रिब्यूटरी जैसे नॉर्थ से साउथ तक झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, गंगा की सभी ट्रिब्यूटरी गंगा है, यमुना है, आगे गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जैसे ब्रह्मपुत्र, दिबांग है, लोहित है, मेघना है, ये सभी रिवर्स आएंगी और गंगा का एक पूरा मैदान बनेगा, द ग्रेट प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो तीन रिवर सिस्टम से कंट्रीब्यूट होता है, नॉर्थ से और साउथ की रिवर्स, जैसे साउथ से चंबल जाएगी, बेतवा, केन, सोन, और इस वे में जो आपके सामने ऑब्जर्व होकर के आता है उसे कहते हैं इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब कुल मिलाकर के इंदस और गंगा का इम्पैक्ट ज्यादा है तो इंडो गैंजेटिक प्लेन भी इसको हम कह देते हैं। और अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वर्ल्ड लेवल पर कंटिन्यूअस फॉर्म में सबसे लार्जेस्ट प्लेन है ये, कंटिन्यूअस फॉर्म में सबसे लार्जेस्ट प्लेन है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि वर्ल्ड की लगभग प्लेन रीजन की 30% पॉपुलेशन को ये होल्ड करता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया का 1/4 से भी कम का लैंड मास है, 25% से भी कम का लैंड मास है, लेकिन हाफ पॉपुलेशन को बियर करता है।
इतनी बातें क्लियर। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातों से यह तय हो गया कि गंगा का मैदान सेडिमेंट और अदर मटेरियल के डिपॉजिट होने से बना। अब हम इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिए, जब भी आप प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज कई तरह से बन सकते हैं, इसलिए इस वर्ड को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, जो बुक में आपके ध्यान पे ना आए शायद, लेकिन क्वेश्चन आया है इस पे और ये बनता भी है। जब आप प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन फॉर्मेशन के लिए अगर फिजिकल ज्योग्राफी में टेक्निकल वर्ड देखें तो एपीरोजेनेटिक मूवमेंट वर्ड यूज होता है, एपीरोजेनेटिक। जैसे माउंटेन के लिए ओरोजेनेटिक, वैसे एपीरोजेनेटिक। एपीरो माने प्लेन, प्लेन्स का जेनेसिस। प्लेन्स बनने के कई थ्योरी बताई गई हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट यह है कि कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया ओशियन में सबमर्ज है और अचानक से अपलिफ्टमेंट होती है और वो रीजन इमर्ज हो जाता है, तो वो भी एक नया प्लेन है। इसका ओरिजिन इमर्जेंस से होता है। अगर कोई माउंटेन फॉर्म हुआ है और माउंटेन के सामने वाला रीजन एक फ्लैट लैंड के तौर पर एग्जिस्टेंस में आ गया है मीडियन मास के तौर पे, तो यह भी एक फ्लैट लैंड है। लेकिन जो गंगा का मैदान है इसे एग्रेडेशनल प्लेन कहा जाता है। एग्रेडेशनल प्लेन, सारा प्लेन आपके सामने खड़ा है। क्या होता है एग्रेडेशनल प्लेन? एग्रेडेशनल प्लेन, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है एग्रेडेशनल का एजी माने एग्रीगेट, एग्रीगेट, और ग्रेडेशन का मतलब है ग्रेड ऑफ सेडिमेंट। अगर आप गंगा के मैदान की बात करेंगे तो कोई भी रिवर कोर्स फॉलो कर लीजिए, उस रिवर कोर्स में अपर स्ट्रीम रीजन से लेकर लोअर स्ट्रीम रीजन तक अगर आप आते हैं तो आपको जितना भी उसका डेब्रिस है, सेडिमेंट है, वो इस फॉर्म में नजर आएगा। सबसे ऊपर आपको बोल्डर्स नजर आएंगे, हायर रीचेस पे आप जाएंगे, पठानकोट और अदर रीजन क्रॉस करिए, ऊपर बड़े बड़े गोल राउंडेड पत्थर मिलेंगे, बोल्डर्स कहते हैं उनको। उसके नीचे आएंगे तो आपको कोबल्स नजर आएंगे, उसके नीचे पेबल्स नजर आते हैं, पेबल्स नजर आएंगे, पेबल से नीचे ग्रेवल्स नजर आती हैं, फिर सैंड नजर आती है, फिर सिल्ट नजर आता है, और फिर क्ले। तो कुल मिलाकर के सेडिमेंट्स का एक ग्रेड होता है। इसी ग्रेड के माध्यम से नदियां अपने मटेरियल को ला करके डिपॉजिट करती हैं। तो सपोज कीजिए जितनी भी रिवर्स हुआ करती थी, जैसे इंदस, इंदस आई, उसके बाद झेलम आई, उसके बाद चेनाब आई, उसके बाद रावी आई, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलुज आई, सभी ने अपनी विसिनिटी में अपना मटेरियल जमा करना शुरू कर दिया और सभी के द्वारा जमा किए गए इस मटेरियल का, इस ग्रेडेड मटेरियल का जो एग्रीगेशन हुआ, एग्रीगेट हो गया, ये पूरा एक कंसोलिडेटेड प्लेन रीजन क्रिएट होता है। तो सभी रिवर्स के द्वारा अपना मटेरियल ग्रेडेड फॉर्म में जमा करना, डिपॉजिट करना, उन मटेरियल्स का आपस में कोलेसेंस हो जाना, जुड़ जाना, क्योंकि एक रिवर वैली अपना मटेरियल अपने लेफ्ट राइट इकट्ठा कर रही है तो दूसरी भी कर रही है, दोनों के द्वारा मटेरियल इकट्ठा होते चला जा रहा, दोनों एक दिन जुड़ जाएंगे और दोनों ग्रेडेड मटेरियल का एग्रीगेशन हो जाएगा। तो इट इज एग्रीडेशनल प्लेन। ये बात ऑलवेज याद रखना, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा MCQ आया कि गंगा का मैदान कौन सा प्लेन है, एग्रीडेशनल प्लेन है, और ऐसा क्वेश्चन में बार बार, थ्योरी में बार बार ये वर्ड यूज होगा। आगे बढ़े, और क्या समझना है गंगा के मैदान के बारे में, कुछ मेन कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट इसके बारे में यह है कि अगर आप इसका पूरा वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंस देखेंगे तो ये लगभग 3200 किलोमीटर का है, जिसमें से 800 किलोमीटर इसका रीजन आपको पाकिस्तान में भी मिलता है। और आप सब जानते हैं पंजाब प्लेन जो है, गंगा के प्लेन का एक हिस्सा है पंजाब प्लेन, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का, वो पंजाब प्लेन का मिनिमम हिस्सा इंडिया में है, मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में है, फर्टाइल एरिया। जैसे राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, उसका अगर आप 200,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेजर्ट है तो 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में है और बाकी का सारा 0.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान में है। तो कुल मिलाकर के भारत में जो एग्जिस्ट करता है, वेस्ट से ईस्ट तक अगर आप बात करें तो इंदस, इंदस के डेल्टा से लेकर के ईस्ट में गंगा के डेल्टा तक आपको लगभग 2400 किलोमीटर के बीच में बताया जाता है गंगा का मैदान। आई बात समझ में? ये किन किन स्टेट्स को मेनली अगर कवर कर रहा है आपसे पूछा जाए तो कवर कुछ इस तरह से कर रहा है, इसमें राजस्थान कवर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का डेजर्ट थोड़ा सा गुजरात में भी जाएगा, इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल,
और आसाम कवर होगा। और अगर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में बांटना चाहें तो ये उन यूनिट्स में कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, जो मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए बुक में बहुत सुंदर एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले आपको नजर आएगा राजस्थान का प्लेन, तो इसको हम टोटल चार यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, इनकी फोर डिवीजन है। राजस्थान का प्लेन, राजस्थान के प्लेन के बाद पंजाब हरियाणा प्लेन, उसके बाद पूरा गंगा का प्लेन, और उसके बाद आपको मिलता है ब्रह्मपुत्र का प्लेन। तो चार प्लेन्स में डिवाइडेड है। ओके डन। और इन चार प्लेन्स की डिवीजन को ऐसे माना जाता है कि राजस्थान प्लेन तो पूरा इंटैक्ट है, पंजाब का प्लेन भी पूरा इंटैक्ट है, पंजाब हरियाणा प्लेन, लेकिन गंगा के प्लेन को तीन हिस्सों में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। मैं बाउंड्रीज बताऊंगा। और उसके बाद आ जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसे आसाम प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर ही आसाम का बेसिन बनती है, आसाम ब्रह्मपुत्र ने बनाया है। आई बात समझ में? तो अब हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, उसके पहले कुछ फीचर्स कराने जरूरी हैं आपको। जब हम गंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे निकल करके आते हैं कि ये मिडल प्लाइस्टोसीन पीरियड से शुरू होकर के अब तक फॉर्म हो ही रहा है। तो सबसे यंगेस्ट है ना मिडल प्लाइस्टोसीन, प्लाइस्टोसीन पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ, क्लियर है आपको, और 12,000 ईयर्स अगो तक चलता रहा। 2.5 मिलियन ईयर्स अगो तो लेटर प्लाइस्टोसीन था। अगर लगभग लगभग आप देखना चाहो अपर प्लाइस्टोसीन और मिडल प्लाइस्टोसीन पीरियड, तो ये आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 1 मिलियन ईयर्स अगो से पहले। तो 1 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के अब तक गंगा का मैदान बन रहा है, तो सबसे यंगेस्ट यूनिट है इंडिया का। ये पहली बात, टाइम भी बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसके बारे में, ये कहा जाता है कि ये फीचरलेस है, ये रिलीफलेस है, ये मोनोटोनस प्लेन है। इसके कोई फीचर नहीं, इसका कोई रिलीफ फीचर नहीं, ये पूरा मोनोटोनस है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर माउंटेन्स नजर नहीं आते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पर आपको उस समय उस लेवल पर वैली एंड रिज टोपोग्राफी नहीं मिलती, ग्रेडियंट इसका बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन कुछ खास इसके अपने फीचर हैं जो इसको अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम करता है, वो फीचर्स मैं आपको समझाता हूँ जो इसके मेन फीचर्स हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब हम द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो इसके लैटिट्यूडनल फीचर कहा गया है, लैटिट्यूडनल फीचर यानी कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ क्या फीचर है समझो। सपोज कीजिए आपके सामने शिवालिक माउंटेन रीजन है, और शिवालिक माउंटेन रीजन यानी कि हिमालय का वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंस है 2400 किलोमीटर शिवालिक, और उतना ही एक्सपेंस गंगा के मैदान का है। तो जब पर्वतों से नदियां निकलती हैं, अगर हम पर्वतों की बात करें तो माउंटेन टॉप पे ऐसे कॉनिकल रहते हैं, और गंगा का मैदान जो आज आपके सामने खड़ा है इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहते हैं पेनेप्लेन। पेनेप्लेन, पेनेप्लेन वो प्लेन जो बिल्कुल फीचरलेस कर दिया है नदियों ने कटाई कर करके कर करके कर करके। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर बहुत हैवी माउंटेन्स हैं और बहुत ही पीक, बहुत ही वी शेप वैलीज हैं, नदियां पर्वत नदियां निकल रही हैं। अगर ये माउंटेन रेंज जो आपके सामने खड़ी है इसके सामने यहाँ पर इसको ऑब्स्ट्रक्ट करती हुई भी माउंटेन रेंजेस होंगी, ये नदियां उनसे टकराती हैं, उन्हें हेडवर्ड इरोड करती हैं, फ्रंटल तौर पे काटती हैं, काटते 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 उनकी चौड़ाई ऊंचाई सब कम करना शुरू कर देती हैं। वहीं से तो बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेवल काट काट के लाती हैं इतने बड़े बड़े पत्थर नदियां, जो पठानकोट में क्रैशर लगे हुए हैं वो सारा पत्थर पर्वतों से काट के आया। काटते 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 नदी एक ऐसा इलाका क्रिएट कर देती है जिसे प्लेन कहा जाता है, ये बात याद रखना। हर प्लेन बनने की शुरुआत ऐसे होती है कि लैंड अपलिफ्ट होता है, ये मैं आपको बढ़ाऊंगा डेविस का और पैंक का मॉडल फिजिकल ज्योग्राफी में। हर मैदान बनने की शुरुआत ऐसे होती है कि रिवर लैंड टेक्टोनिक एक्टिविटी से अपलिफ्ट होता है, जब वो अपलिफ्ट होगा तो वहां से फिर नदियां जनरेट हो जाएंगी, और फिर वो नदियां उस रीजन को काट काट के काट काट के फ्लैट लैंड में कन्वर्ट कर देंगी। पेनेप्लेन द लास्ट स्टेज ऑफ द इरोजन, एकदम फ्लैट फीचरलेस, जहां पर मोनोडोनॉक्स दिखेंगे, यानी कि इस तरह की कॉनिकल पीक्स की जगह आपको हल्की हल्की राउंडेड राउंडेड आकृतियां दिखेंगी, और एक समय में तो बिल्कुल ही सपाट हो जाएगा, कुछ भी राउंडेड नहीं रहेगा। तो ये पीक्स धीरे धीरे ये राउंडेड, तो यहां से नदी निकल रही है, तो यहां से इस तरह से रिवर्स निकलती हैं। तो रिवर जब आकर के प्लेन एरिया को टच करती है, अपना कंटेंट डिबाउच करती है, तो ये अपना मटेरियल यहां पर लाकर के जमा करेगी, ये मटेरियल इसने जमा किया,
और ये क्या बन गया है कि पूरा पूरा का पूरा एलुवियल फैन, रिवर आई, रिवर ने आकर के पूरा अपना मटेरियल जमा कर दिया यहाँ पर और वो मटेरियल पूरा फैल गया, एक एलुवियल फैन बन गया। सभी नदियों ने अपना अपना एलुवियल फैन बना दिया, सभी एलुवियल फैन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सारे एलुवियल फैन कनेक्ट हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और पूरा का पूरा शिवालिक पर्वत के नीचे सबसे पहली गंगा के मैदान का जो फीचर नजर आता है वो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर वाइड है। वेस्ट में 16 किलोमीटर वाइड, ईस्ट में जाते जाते 8 किलोमीटर वाइड, 16 से 8 किलोमीटर वाइड ये सारा का सारा एलुवियल फैन रीजन, जहां पर रिवर्स माउंटेन से फ्लो करके आ रही हैं और उन्होंने अपना सारा सेडिमेंट और डेब्रिस वहां पर ही सेटल कर दिया है, क्योंकि एब्रप्टली उनके ग्रेडियंट में फॉल आ गया है। जो पहले ढलान थी पर्वत की वो एब्रप्टली खत्म हो गई क्योंकि प्लेन एरिया आ गया, इसलिए अब उनके पास उतनी सेडिमेंट होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। उसका रीजन यह है कि स्लोप कम हो गई है, स्टीप नहीं रही, अब वो उतनी विगरस स्पीड से फर्दर फ्लो नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो उन भारी भरकम पत्थर गोबल पेबल रेवल्स को आगे नहीं ले जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ सैंड सिल्ट क्ले को आगे ले जा सकती हैं जो हल्की चीजें हैं, इसलिए सारा मटेरियल वहीं डिपॉजिट कर देंगी। तो ये सारा एलुवियल फैन रीजन जब आपस में कनेक्ट हो जाता है 16 किलोमीटर वेस्ट में 8 किलोमीटर ईस्ट में, इतनी वाइड कंटिन्यूअस बेल्ट बनाता है 2400 किलोमीटर की लगभग, इसे हम कहते हैं भाबर के मैदान। क्या कहते हैं? भाबर के मैदान, भाबर, बड़ा बड़ा करके लिख लो भाबर, बब्बर मत कहना, कहीं कहीं कोई कोई बब्बर भी कह रहे हैं, याद रखना भाबर। क्या खासियतें होंगी भाबर के मैदान की, सारे फीचर खूबसूरती से सुनना। भाबर के मैदान में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंस है किनकी? ग्रेवल्स की। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं, जो बिटुमिनस रोड होती है, ब्लैक काली सड़कें, आप देखना मोड़ से, किसी किसी मोड़ से सड़क टूटी रहती है और सड़क को बनाने के लिए उसके नीचे गोल पत्थर ग्रेवल पीसीसी डालनी पड़ती है। आप देखना सड़क जहां से टूटी हुई है बरसात के समय में, जहां से सड़क पक्की है वहां पे पानी खड़ा दिखेगा, लेकिन जहां से सड़क टूटी है कंकड़ पत्थर ग्रेवल कोबल पेबल ऑब्जर्व हो गए, वहां पे पानी उनके बीच में छुप जाता है। यानी कि जो ग्रेवल्स होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि जब इनके ऊपर पानी डाला जाता है पानी सारा का सारा अंदर चला जाता है, इनकी पोरोसिटी बहुत होती है। ग्रेवल्स आर हाईली पोरस, ये बात याद रखना। तो ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द ग्रेवल्स एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्रेवल दैट इज एसोसिएटेड विद द पोरोसिटी, जितनी भी नदियां आ रही हैं पर्वत से वो इस भाबर जोन में आकर के लुप्त तो हो जाती है। आप जाओगे हैरान हो जाओगे, नदी दिखनी बंद हो जाएगी। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां से चाहे हिमाचल जाओ, आप हायर रीचेस में जाना ब्यास नदी के, एक ऐसा पर्टिकुलर स्पॉट आएगा ब्यास नदी का जहां पे इतना इतना पानी मिलेगा, जस्ट 2-2 इंच, और वही ब्यास जो पंजाब में इतनी भव्य है वहां पे 2-2 इंच, क्योंकि ग्रेवल्स पेबल्स के बीच में पानी रिस गया है, अंदर चला गया है। उससे भी ऊपर जाओगे बिल्कुल दिखनी बंद हो जाएगी। ये भाबर बेल्ट है जिसमें आके नदियां गायब हो जाती हैं, इसलिए इसको ड्राई लैंड भी कहा जाता है। तो इसे ड्राई लैंड ऑफ भाबर कहा जाता है, ये बात क्लियर। नदियां यहां लुप्त हो जाती हैं, किस वजह से? कारण क्लियर। इसी की वजह से यहां पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि यह ड्राई लैंड कहलाता है। तो यहां पर अगर कोई वेजिटेशन होगी तो वो वाले ट्रीज होंगे जिनकी जड़ें बहुत गहरी जा सकती हैं पानी की तलाश में, जैसे ट्रीज डेजर्ट्स में होते हैं जिनकी रूट्स बहुत डीप जाती हैं, जो पानी को ढूंढ के ले आती हैं। तो इसलिए यहां पर गहरी जड़ों वाले पेड़ होंगे, वेजिटेशन डेंस नहीं होगा, ड्राई रीजन होगा एक्सेप्ट जहां पर रेनफॉल नहीं होता है, और यहां पर आपको उस लेवल पे एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता, नदियां लॉस्ट हो जाती हैं। ये भाबर का बेल्ट। जब हम भाबर को क्रॉस करते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर वाइड बिल्कुल भाबर के एडजेसेंट हमें एक बेल्ट दिखती है, बिल्कुल भाबर के साथ ही, जो ईस्ट में वाइड है वेस्ट में नैरो है, जो ईस्ट में वाइड है वेस्ट में नैरो है। चलो रीजन समझाता हूँ कि भाबर वेस्ट में वाइड और ईस्ट में नैरो क्यों थी। वेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि हिमालयन माउंटेन 500 किलोमीटर वाइड है, तो जितना वाइड माउंटेन होगा उतना ही एनर्मस कोर्स तय करेगी एक रिवर, और जितना लॉन्ग कोर्स, जितनी लॉन्ग जर्नी होगी उसको कटाई करने का, इरोजन करने का उतना चांस मिलेगा, वो उतना ही ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ लेकर के आएगी, तो उतना ही ब्रॉड, उतना ही वाइड एलुवियम डिपॉजिट करेगी, उतना वाइड फैन बनाएगी।
लेकिन ईस्ट में रिवर एब्रप्टली आएंगी क्योंकि माउंटेन रेंजेस भी ग्राउंड लेवल से एब्रप्टली राइज कर रही हैं, इसकी वजह से रिवर स्टीप आएंगी। इसलिए ईस्ट की रिवर जैसे ही आप गंडक से आगे जाते हैं, वहां पर जितनी भी रिवर्स हैं जैसे कोसी है, तिस्ता है, रैदक है, ये बहुत स्विफ्टली फ्लो करती है, तभी फ्लूड लेकर के आती है, तभी बर्बादी करती है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के उनके पास उतना समय नहीं है, जर्नी नहीं है कटाई करने का, तो वो उतने ब्रॉड फैन भी नहीं बनाएगी। ईस्ट की रिवर सेडिमेंट लोड के लिए नहीं जानी जाती है, वो तीव्र गति के लिए जानी जाती है, स्विफ्टनेस के लिए जानी जाती है, वो फ्लूड लाने के लिए जानी जाती है। और जो वेस्ट की रिवर से सेडिमेंट के लिए जानी जाती है, इनमें फ्लूड भी आएगा तो बहुत ही ग्रेजुअल सा आता है। आई बात समझ में? लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा तराई का बेल्ट क्या है, तो तराई के बेल्ट से लॉजिक समझाओगे। तर मने बेल्ट। अब नदियां भाबर बेल्ट में लॉस्ट हो गई थी। नदी जब आती है तो नदी अपना एक मार्ग बना के लेके आती है, जैसे सड़कों पर, जैसे जंगलों में चलने के लिए पगडंडियां होती हैं, ऐसे नदियों का अपना मार्ग होता है, इसे रिवर चैनल कहते हैं। रिवर का अपना एक कोर्स होता है। अब अचानक से आपने इतने लंबे समय से चलती आ रही नदी का भाबर बेल्ट में रिवर का चैनल ही गायब हो गया, क्योंकि नदी तो लुप्त हो गई उसमें, और एकदम से जब भाबर बेल्ट खत्म हुई है, रिवर को रीएमर्ज करना है, लेकिन आगे चैनल नहीं दिखा, चैनल नहीं मिला। और जब रिवर को अपना आगे चैनल नहीं दिखेगा तो पानी लेफ्ट राइट फैल जाएगा, पानी क्या होगा, फैल जाएगा, उसका फ्लो ही नहीं नजर आ रहा। तो इसकी वजह से एक मार्शी ट्रैक्ट क्रिएट होगा, दलदली इलाका, इसको तर बेल्ट कहते हैं, तराई का बेल्ट, दलदली इलाका। और ये कहाँ पे एक्सटेंसिव होगा, जहाँ पे रेनफॉल हाई होगा। और किस रीजन में रेनफॉल इंडिया में हाई होता है, ईस्टर्न रीजन में। इसलिए तराई ईस्ट में ब्रॉड है, वेस्ट में नैरो है, क्योंकि नदियों को के री इमरजेंस को सपोर्ट मिल जाएगा ईस्ट में रेनफॉल का भी। नदियों को आगे पाथ नहीं मिला और वो हैपेजेडली फैल गई लेफ्ट राइट आगे पीछे जिधर भी, इसकी वजह से एक स्टेगनेंट वाटर का जोन क्रिएट हुआ, मार्शी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से एक डैम्प एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा है, जिसकी वजह से डेंस वेजिटेशन होगा, और इस डेंस वेजिटेशन की वजह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। यह सारी खासियतें हैं तराई की। यह वही बेल्ट है जिस पर जब पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था तो वहां से आए हुए माइग्रेंट्स को भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे सेटल किया गया, और आज बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के रीजन में इस लैंड को रिक्लेम कर लिया गया, मार्शी लैंड को रिक्लेम कर लिया गया, तर इलाका था, इसलिए यहाँ पे शुगर केन की, राइस की, गन्ने की खेती बहुत होती है। तो अगर आप हिमाचल, यूपी में उत्तर के रीजन में जाएंगे, पीलीभीत का और बाकी नॉर्दर्न रीजन जो तराई बेल्ट को टच करता है, वहां पे गन्ना किसान देख लेना, एक से एक बंपर भरे पड़े हैं, तो गन्ने की खेती होती है। और पाकिस्तान से आए माइग्रेंट यहाँ पे सेटल किए थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने अथक प्रयास से, मेहनतों से बहुत हाई लेवल पे बम्पर एग्रीकल्चर किया, और ये आज की डेट में एकदम फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर जोन के तौर पे जाना जाता है। तराई बेल्ट, वाइल्ड लाइफ, डैम्प एटमोसफेयर, ह्यूमिडिटी, हाई लेवल वेजिटेशन, सब क्लियर। तो इसको हमने कहा तराई बेल्ट। तराई बेल्ट के बाद क्या होगा? तराई बेल्ट तो अगर हम देखें तो वैसे तो तीन डिवीजन है, भाबर, तराई और आगे आते हैं एलुवियल। भाबर प्लेन, तराई का प्लेन, एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन की दो डिवीजनें आती हैं, भांगड़, मैंने कल आपको बताया था ना, खादर, भांगड़, ये पढ़ेंगे हम मैदान में, भांगड़, और दूसरा खादर। चलो आप समझाता हूँ खादर भांगड़ क्या होता है। ये चारों बातें बताइए, एमसीक्यू का बिल्कुल बैकबोन है, ये सारे क्लियर हो गए तो उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। यही क्लियर नहीं होते, सब कुछ पढ़ लेते हैं हम, ये नहीं पढ़ते। अब होता क्या है, नदी की बड़ी खासियत है, रिवर फ्लो कर रही है, तो जब रिवर फ्लो कर रही है तो ये किसी ने नहीं कहा कि टेक्टोनिक स्टेबिलिटी रहेगी। रिवर अपने कोर्स में फ्लो कर रही है, उसने अपने लेफ्ट और अपने राइट एक बहुत सुंदर वैली बना रखी है और उसमें से फ्लो कर रही है। अचानक से वो रीजन में टेक्टोनिक एक्टिविटी होंगी और वो रीजन अपलिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो रीजन अपलिफ्ट हो जाएगा तो वो वैली रीजन ऊपर हो गया, रिवर तो फिर से अंदर गहरी चली जाएगी, क्योंकि उसे तो अपना एक कोर्स मेंटेन करना है। वो अब नए तरह की वैली बनानी शुरू कर देगी, फिर थोड़े समय बाद टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, वो वैली भी अपलिफ्ट हो गई, रिवर फिर अंदर चली गई, वो फिर से अपनी टेक्टोनिक, तो जैसे एक तरपाल है, तरपॉइल, उसके सेंटर से पानी जा रहा है, उसने अपना एक सिस्टम बना रखा है, वहां से तरपाल नीचे को दबी है, साइडों से उठी हुई है, आप उसको तरपाल को थोड़ा और ऊपर उठाओ, पानी फिर से अपनी जगह बना लेगा एक नए स्पॉट में। इस तरह से रिवर जिस पर्टिकुलर रीजन से फ्लो कर रही है वहां पर एक वैली बनी हुई है, रिवर धीरे धीरे अपना मार्ग काटती चली जा रही है,
अपलिफ्टमेंट हुआ, अब वैली यहां पर बनी है, अपलिफ्टमेंट हुआ अब वैली यहां पर बनी है। तो रिवर गहरी गहरी जाई जा रही है और उसके लेफ्ट राइट में उसकी अपलिफ्टेड वैली हमें नजर आ रही है। ये कौन सा लैंड मास है? ओल्ड एलुवियम। यहां पे नदी ने क्या डिपॉजिट किया था? पुराना सेडिमेंट, पुराना ओल्ड एलुवियम हमें मिलेगा, क्योंकि हर साल नहीं, नदी जो अपने साथ सेडिमेंट बहा करके लेके आ रही है वो तो उसके मेन रिवर कोर्स में होगा ना, जिसको उसने बड़ी मेहनत से डिपॉजिट किया था और एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने अपलिफ्ट करके अब रेस कर दिया और नदी अब और गहराई में बह रही है। तो कुल मिलाकर के जो ओल्ड एलुवियम रीजन है, जहां पर रिवर अब हर साल रिचार्ज नहीं करती नया एलुवियल ला करके, जिसकी वजह से ओल्ड एलुवियल रीजन में कैलकेरियस फॉर्मेशन हो गई है, रिचार्ज होना बंद हो गया उसमें नया मटेरियल, तो इसकी वजह से जो ओल्ड मटेरियल है उसकी कई तरह से केमिकल रिएक्शंस, तो कैलकेरियस फॉर्मेशंस। तो आपसे पूछा जाए कि झाड़, बंजर और कंकड़ फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी? तो भांगड़ के इलाके में, इसलिए इसे भांगड़ कहते हैं। ओके, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा जो रिवर फ्लो कर रही है जिस पर्टिकुलर रीजन से, जहां पर हर साल वो अपना एलुवियम सेडिमेंट ला करके डिपॉजिट कर रही है, जब वो रिचार्ज होती है बरसातों के मौसम में, जब वो रिचार्ज होती है जब आइस मेल्ट होती है, इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं खादर की जमीन। और ये जो खादर होता है इसे बेट का इलाका कहते हैं, नदियों के क्लोज का इलाका जहां पानी चढ़ाता है। आप यहां से जाइए ब्यास के किनारे किनारे का इलाका, आपको बेट का इलाका मिलेगा। जितनी भी नदियां रहेंगी बेट का इलाका, वहां पे भी गन्ने की खेती, चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अब इन दोनों में फर्क कहां पे आ जाता है? किसी जमाने में जो नदी का खादर प्लेन था, वहां पर किसी ना किसी रीजन से एंडोजेनेटिक फोर्सेस डेवलप हुई, या तो पीछे माउंटेन में टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, एक एंटीक लाइन बन रहा है, तो थोड़ा सा प्लेन रीजन तक भी उसका इम्पैक्ट आया, तो वहां से भी लैंड अपलिफ्ट हो गया, नदी या तो फॉरवर्ड मूव कर जाएगी या लेफ्ट मूव कर जाएगी या राइट मूव कर जाएगी और अपनी एक नई वैली कार्व आउट करना शुरू करेगी। जो पुराना रीजन था वो जो पहाड़ बन रहा है एंटीक लाइन, सपोज करो ये प्लेन एरिया था, लेकिन अब अचानक से इसके जस्ट पीछे एक एंटीक लाइन माउंटेन बनने शुरू हुआ, तो ये प्लेन एरिया थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा और ये नदी अगर यहां पर अपनी मैच्योर वैली कार्व आउट करके ये फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे निकल जाएगी या राइट या लेफ्टवर्ड। तो ये जो अपरेज्ड रीजन है अब, ये पर्टिकुलरली किस तरह के सेडिमेंट को लिए बैठा होगा? तो यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो आज अगर आप रिवर की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आप भांगड़ का मैदान देख लीजिए, उसमें वो एनिमल्स के फॉसिल्स मिलेंगे जो एनिमल शायद आज नहीं मिलते, जैसे हिप्पोपोटामस, फिर राइनोसेरस जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, फिर हाई लेवल एलिफेंट के फॉसिल्स। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा खादर तो प्रेजेंट को दिखा रहा है और उसमें सेडिमेंट अभी कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे तो इसकी अगर खुदाई करें तो आपको जो सेडिमेंट मिलेंगे वो आज की डेट में जो एनिमल पाए जाते हैं उसके मिलेंगे। आई बात समझ में? तो भांगड़ की निशानी है, इसमें उन एनिमल्स के सेडिमेंट मिलेंगे जो शायद आज नहीं एग्जिस्ट करते, ओल्ड फॉसिल्स, और खादर की निशानी है इसमें आपको प्रेजेंट एज के एनिमल्स के फॉसिल्स मिल जाएंगे। ये फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चरली बहुत ही रिच एरिया है, और इस समय जो आप गंगा का मैदान देखते हैं नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया में, जिस जिस रीजन में एग्रीकल्चर हो रहा है वो खादर का ही मैदान वाला इलाका है और उसी मिट्टी को हम ज्यादा अपनाना चाहते हैं जो सॉइल फर्टाइल मानी जाती है इस वे में, क्योंकि आप जब सॉइल को यूटिलाइज करते हैं आप उसके न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, अगर एवरी ईयर वो रिचार्ज ना हो, नए न्यूट्रिएंट्स ऐड ना हो, तो फर्टिलिटी लूज हो जाती है। आज आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, किसी जमाने में इस प्रोसेस का महत्व बहुत था, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर के भी में भी ताकत तभी है अगर वो मिट्टी से ताकत निकाल सके, ठीक है? तो ऑलवेज खादर सॉइल इज प्रेफरेबल सॉइल फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और इन चार मेन चीजों को समझने के बाद दो टाइप्स और समझते हैं। अगर आप यूपी चले जाएं या पंजाब में कुछ इलाके देखें या राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल एरिया, जिससे हमने इंदिरा गांधी के डेजर्ट एरिया को बहुत अच्छे से इरिगेट कर दिया, इस रीजन में आपको एक खास तरह की मिट्टी नजर आएगी, रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी। कल्लर जो होती है वो बंजर भूमि होती है, रेह जो होती है भल, तो रेह, कल्लर, ऊसर, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, रेह, कल्लर, ऊसर,